दोस्तों, कई लोग चाहते हैं कि हम अपने सिक्योरिटी कैमरे को हाइड करें। इसके लिए कई हिडन कैमरे भी आए हैं, बट हिडन कैमरे सक्सेसफुल नहीं है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं चलते, तो दिक्कत तो आती है। और हाइड करना लोगों की अलग अलग नीड होती है। कई जगह पर उनको एविडेंस के रूप में काफ़ी चीज़ें चाहिए होती है, या घर में बच्चे हैं, नैनी वगैरह जो है बच्चे की देखभाल कर रहे हैं, तो वो क्या बच्चों के साथ कर रहे हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में वो जानना चाह रहे हैं, नहीं बताना चाह रहे हैं कि कैमरा लगा है और उनकी गैर हाजिरी में क्या होता है वो देखना चाह रहे हैं। तो ऐसी जगहों के लिए अब दिक्कत ये है कि ब्रांडेड सीसीटीवी कैमरे जो हैं, जो वाईफाई कैमरे आप कह लीजिए, सीसीटीवी आदत हो गई है बोलने की, ब्रांडेड वाईफाई सिक्योरिटी कैमरे जो हैं नहीं आते हैं, खासकर हिडन में। ऐसे में लोग अल्टरनेटिव दिल्ली मेड कोई ना कोई सॉल्यूशन करके भेज देते हैं, बट वो सेटिस्फैक्शन नहीं दे पाता लोगों को। ऐसे में आज मैं आपको बताऊंगा जो वाईफाई कैमरे हैं, अब ब्रांडेड वाईफाई कैमरे, उसको कुछ तरीके हैं या कुछ जगह है जहां पर आप इजीली हाइड कर सकते हैं, अगर आप क्रिएटिव आइडिया लगाएं तो, और वहां पर जो है आप उसका यूज़ कर सकते हैं। हाँ, आपको थोड़ा सा सुविधा चाहिए कैमरे में, जैसे 4G वाला कैमरा लेते हैं तो बढ़िया है। आप बैटरी पावर्ड इंपॉर्टेंट है, 4G नहीं है घर में है तो वाईफाई जा रहा है तो वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा, बट बैटरी पावर्ड बहुत ज़रूरी है। अगर बैटरी पावर्ड कैमरा हो तो वो काफ़ी अच्छा है। ये हो गया, अगर पावर सोर्स अगर आप दे सकते हैं, कुछ जगहों पर आप पावर सोर्स दे भी सकते हैं जो मैं आपको आज बताऊंगा, तो वहाँ पर आप 1800-1900 के IMU के कैमरे भी लगा सकते हैं जो काफ़ी अच्छे शेप में आते हैं, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। शुरू करते हैं इस वीडियो को, हम बात करेंगे कैमरे को किस तरीके से कौन कौन जगहों पर आप हाइड कर सकते हैं। सबसे पहला, बल्ब होल्डर में आप हाइड कर सकते हैं, PVC बॉक्स में, फॉल्स सीलिंग में हाइड कर सकते हैं, यहाँ तक कि मैंने खुद हाइड किया, जो डोम कैमरा है ना 5 साल पहले, अब फॉल्स सीलिंग में है, पूरा कैमरा अंदर है, सिर्फ लेंस साइज बाहर है, तो पता ही नहीं चलता कि वो कैमरा है, ऐसा कर सकते हो। और अगल बगल जो है कुछ झूमर वगैरह, कुछ अलग अलग चीज़ें लगा दी गई हैं, तो वो समझ में नहीं आता कि वो कैमरा है या क्या है, तो वो मैंने यूज़ किया है। हाँ, इंफ्रारेड की लाइट जलती है, वो दिक्कत है, बट अब तो स्मार्ट कैमरे आ गए, अब किसी में इंफ्रारेड नहीं जलता तो वो पता भी नहीं चलता, तो वो आप कर सकते हो जब अगर ज़रूरत पड़े तो। इसके अलावा एक बहुत अच्छा जगह है बर्ड हाउस, बर्ड हाउस डेकोरेटिव भी होता है, बर्ड हाउस थोड़ा डेकोरेट करने के लिए आपने लगा लिया, या रियली में वो बर्ड हाउस है, तो बर्ड हाउस में क्या है कि आप पावर भी दे सकते हो, अगर पावर दे सकते हो तो 1800-1900 कैमरा अंदर में यूज़ करके आप आसानी से आप हाइड कर सकते हो अपने कैमरे को। इसके अलावा जो प्लांट है घर में, मनी प्लांट हो गया, स्नेक प्लांट हो गया, कई तरह के प्लांट हैं वो जहाँ पर लगे हुए हैं वहाँ पर भी आप कैमरे को हाइड कर सकते हैं, कैमरा को छुपा कर रख सकते हैं, आसानी से विजिबल नहीं होता है। इसके अलावा आप लेटर बॉक्स, ये भी एक बहुत अच्छा, हर घर के बाहर लेटर बॉक्स होता है, आप लेटर बॉक्स में भी कैमरा को हाइड करके रख सकते हैं, वहाँ पर पावर भी दे सकते हैं, घर से वाईफाई कनेक्ट भी हो जाएगा, तो वहाँ पर भी सस्ते कैमरे को आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज 4G वाला सिम वाला बैटरी वाला कैमरा भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और जगह है जहाँ पर आप छुपा सकते हैं, मतलब पता नहीं चलता एक बार में, क्योंकि बहुत ऐसी जगह जैसे नैनीज वगैरह हैं, बच्चे की देखभाल कर रहे हैं, क्या आपके गैरहाजिरी में बच्चों के साथ वो करते हैं वो पता चले, एविडेंस के लिए आप जो नहीं चाहते हैं कि आपके गैरहाजिरी में क्या हो रहा है वो जानकारी आप चाहते हैं, तो वैसी जगहों पर आप ये यूज़ कर सकते हैं। कुछ जगह है जैसे बुक सेल्फ्स हो गया, वहाँ पर आसानी से कैमरा को हाइड किया जा सकता है, स्मोक डिटेक्टर है वहाँ पर भी आप कैमरा को आसानी से हाइड कर सकते हैं, डेस्क प्लांट है जो टेबल डेस्क में रखा होता है वहाँ पर भी हाइड कर सकते हैं, इस बीच का C1C या ऐसे छोटे छोटे कैमरे जो हैं वो ब्रांडेड में जो आते हैं वो आप C1SC भी आते हैं वो आप हाइड कर सकते हैं, फेक रॉक्स जो है वो भी ऑनलाइन ऑफलाइन मिलता है वो आप डेकोरेटिव स्टाइल में आप उसको यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद फेक हैंगिंग पॉटेड प्लांट जो होता है जो हैंग किया हुआ रहता है वहाँ पर भी आर्टिफिशियल होता है वहाँ पर भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कई जगह हैं जो थोड़ा सा माइंड आप लगाएंगे ना, क्रिएट करेंगे तो आपको दिख जाएगा कहाँ कहाँ पर छुपाया जा सकता है। अब सवाल ये कि कौन से कैमरे आप यूज़ कर सकते हैं, देखिए IMU का ये मॉडल जो मैं स्क्रीन में दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में सबके लिंक है, आप जाकर बाय कर सकते हो, इसको आप यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर आप वायर दे सको, मैंने पावर दे सको। इसके अलावा जहाँ पावर नहीं जा रहा है तो आप इजविस का EB3 या CB3 यूज़ कर लीजिए, बैटरी पावर्ड कैमरा है, बहुत बेटर कैमरा है, आप वहाँ पर वो यूज़ कर लीजिएगा, निश्चित तौर पे आपको एक अच्छा क्वालिटी मिलेगा, क्योंकि इजविस के कैमरे आपको पता है कि अच्छी क्वालिटी के आते हैं, तो वो आपको काफ़ी तरह से जो है फ़ायदा देगा। इसके अलावा C1SC भी है, C1C भी है,
सीपी प्लस में भी काफ़ी आते हैं, बट सीपी प्लस के कोई कैमरे मैं नहीं रिकमेंड करूँगा कि इस तरह से हाइड करके आप रखें, क्योंकि अनयूजुअल जगहों पर सीपी प्लस क्रैक कर जाता है, क्रैक टूटता तो नहीं है बट वो हैंग कर जाता है, तो वो दिक्कत है। तो IMOU का यूज़ कर लीजिए, इजविस का यूज़ कर लीजिए, इसके अलावा और भी कई हैं यूज़ कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड तो IMOU या इजविस का ये बैटरी वाला करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैंने आपको बताया इससे आप काफ़ी लाभ उठाएंगे, कस्टमर्स के लिए काफ़ी फायदेमंद ये वीडियो है। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।